स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये रूल समझाया था जिसमें फर्स्ट रूल में था कि जो चीज़ बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी और जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाएगी वो क्रेडिट होगी। अगर बिजनेस में मटेरियल आ रहा है ख़रीद कर परचेज करके, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था क्योंकि आ रहा है और कैश जा रहा था। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, है ना। क्रेडिट वाला नीचे लिखते हैं और डेबिट वाला ऊपर रहता है, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, ठीक है। कैश इसमें आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा तो पैसा ही तो आएगा माल बेच के, और माल चला जाएगा, मटेरियल चला जाएगा, तो जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट यानी नीचे वाली लाइन में, और जो चीज़ आएगी वो ऊपर वाली लाइन में यानी कि डेबिट के सामने। ये DRDR डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से पैसा आया, तो मोहन से पैसा आया तो जो चीज़ आएगी डेबिट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो इन, इनका मतलब अंदर आना बिजनेस में, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, तो कैश आ रहा है मोहन से तो कैश डेबिट हो गया, मोहन से आ रहा है, मोहन का नाम डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में आ रही है कैश बिजनेस में, तो इस तरह से कैश डेबिट।